तो मेरा इनको चैलेंज है, तो आई विल लीव मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। खुला चैलेंज है, प्रूव करके दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली आई एम डन विद माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री। इस कागज के टुकड़े का क्या फायदा, इससे अच्छा था 2 महीने का कोर्स कर लेते। पैसे और वक्त दोनों ही बर्बाद किए हैं, इसका कोई फायदा नहीं। तो अब कुछ रियलिटी बेस्ड सिनेरियोस की भी बात कर लेते हैं। हेलो सर। यस मिस्टर वसी, प्लेजर टू मीट यू। टेल मी समथिंग अबाउट यू। सर, आई एम अ सॉलिड वर्क्स एक्सपर्ट एंड आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years। आई वर्क ऑन मैकेनिकल डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बट आई डोंट हैव अ डिग्री। बट यू डोंट हैव अ डिग्री रिलेटेड टू योर स्किल। अ डिग्री? यस मिस्टर वसी, अ डिग्री। सॉरी, यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस जॉब। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर टाइम। हेलो सर। यस मिस्टर वसी, प्लेजर टू मीट यू। टेल मी समथिंग अबाउट यू। सर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला एंड आई रिसेंटली गॉट ग्रेजुएटेड विद अ सीजीपीए ऑफ 3.81। आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स बट आई डोंट हैव मच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अ स्किल। बट यू डोंट हैव अ स्किल रिलेटेड टू योर डिग्री। अ स्किल? यस मिस्टर वसी, अ स्किल। सॉरी, यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस जॉब। थैंक यू फॉर योर टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो इन दोनों सिनेरियो से आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि अ डिग्री विदाउट अ स्किल और अ स्किल विदाउट अ डिग्री आर यूजलेस और हैज नो वर्थ। और इस बात का अंदाजा मुझे तब जाकर हुआ जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जब जॉब ऑफर्स आती थी तो उनमें डिग्री की इम्पोर्टेंस उतनी ही होती थी जितनी स्किल की रिक्वायरमेंट होती थी। और आजकल तो बहुत से चूरन फ्रोश सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि यार डिग्री छोड़ दो, स्किल सीखो, स्किल का बहुत स्कोप है। उसके बाद वो आपको तरह तरह की मोटिवेशनल वीडियोस दिखाते हैं और अपनी स्पीचेस के थ्रू ये बात जाहिर करना चाहते हैं, स्किल सीखो, स्किल का बहुत फायदा है, डिग्री का कोई फायदा नहीं। और फिर वो इस कॉन्टेक्स्ट में ना एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे लोगों की एग्जांपल्स देते हैं और कहते हैं जी कि इनको देखो, इन्होंने भी अपनी पढ़ाई के टाइम पे यूनिवर्सिटी छोड़ी, ड्रॉप आउट हुए और इन्होंने भी कोई ना कोई स्किल सीखी और फिर उसके बाद पैसा छापना शुरू किया एंड नाउ दे आर इन द लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट मेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप भी इनको देखो, आप भी अपनी डिग्री छोड़ो, हमसे स्किल सीखो, हम आपको स्किल देते हैं, आप हमसे स्किल सीखें और आप भी इन जैसे बने, क्योंकि जो स्किल हम आपको सिखाएंगे उस स्किल के थ्रू आप अमीर हो सकते हैं और फिर तो पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो इससे रिलेटेड ना यार, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, हमारे एक फेलो यूट्यूबर की वीडियो है, तो वो इस टॉपिक पे ना बिल्कुल फिट बैठती है। और वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आप सबने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, एट लास्ट ही फाउंड अ पॉट इन द गार्डन बट देयर वाज नॉट सफिशिएंट वाटर इन द पॉट, व्हेन ही थ्रू सम पीपल्स इनटू द वाटर राइज अप, ही ड्रिंक द वाटर एंड वेंट अवे। तो ये स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी। अब स्टोरी कुछ ऐसी शुरू होती है जी कि वही जो थर्स्टी क्रो था उसका एक ग्रैंडसन था, वो भी इन सर्च ऑफ वाटर पे रहा था, उसे प्यास लगी जी, वो भी एक बाग में चला गया और उसने ना वहाँ पर एक कुआं देख लिया। तो वो भी कुएं के पास गया तो पानी बहुत नीचे था। उसने कहा जी मेरा जो ग्रैंडफादर था थर्स्टी क्रो असल वाला, उसकी भी ये स्टोरी है, वो भी बाग में प्यासा गया था, उसने भी एंड पे आके जी पत्थर फेंके, पानी ऊपर आया, उसने पी लिया। तो जो थर्स्टी क्रो का ग्रैंडसन था उसने कहा यार मेरे पास तो एक स्कीम है कि मैं इसमें पानी में पत्थर फेंकूंगा तो पानी ऊपर आएगा, मैं पी लूंगा। तो उसने क्या किया जी, छोटे छोटे पत्थर उठा के ना फेंकने शुरू कर दिए उस कुएं के अंदर। तो उसने कुएं में बहुत सारे पत्थर फेंके पर पानी जो था वो ऊपर आ ही नहीं रहा था। तो फिर एंड पे ये हुआ जी कि वो प्यासा मर गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है जी कि जो स्कीम आपके ग्रैंडफादर के दौर में एप्लीकेबल थी, आज के दौर में वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है। यू हैव टू मूव विद टाइम और टाइम के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आज की रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास डिग्री भी हो और स्किल भी हो। अब ये चूरन फ्रोश सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अगेन, ये आज का जो हमें स्टोरी सुनाते हैं एलन मस्क,
और ये मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स वगैरह, इन्होंने जी यूनिवर्सिटी छोड़ी थी काफी अर्सा पहले जब कंपटीशन बहुत कम था और ये उस वक्त पे इन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया और ये कामयाब हो गए। तो मैं इन चुनर फ्रोशो को कहना चाहूंगा कि ये जो रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो एलन मस्क वगैरह की जो आप एग्जांपल देते हैं, सो दे वर द फर्स्ट स्टेप टेकर्स, उन्होंने पहला कदम उठाया और वो कामयाब हो गए। आज दुनिया उनकी मिसालें देता है। आज के दौर में अगर एलन मस्क और ये मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स वगैरह अगर डिग्री छोड़ के स्किल सीखते ना तो इनका हाल भी फिर पाकिस्तानी यूथ की तरह ही होना था कि जिसका कोई हामी और नासिर नहीं है। तो एंड पर आके इन्होंने भी फाइवर और अपवर्क के ऊपर जो है ना 5, 10, 50 या 100 डॉलर लेकर एक एक प्रोजेक्ट कर रहे होते, वैसे सक्सेसफुल ना होते जिस तरह ये उस दौर में हो गए थे। तो कहने का मकसद यही है कि यार हर चीज का एक टाइम होता है और जो चीज उन्होंने की वो उनके टाइम में अच्छी लगती थी, आज के दौर में यार वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है। और आजकल का टाइम यही कहता है जी कि आपके पास डिग्री भी हो और स्किल भी हो, किसी एक का होने से कोई फायदा नहीं होना, दोनों होंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सारी ये स्टोरी सुनाने के बाद ना एंड पे आपको चूरन फ्रोश और इन्फ्लुएंसर बताऊं क्या कहेंगे, आप जो है ना ये वाला जो कोर्स है ना हमसे 1,00,000 रुपए का खरीदे, आप जब हमसे ये 1,00,000 रुपए का कोर्स खरीद लेंगे ना उसके बाद तो आपने भी एलन मस्क, जुकरबर्ग और ये बिल गेट्स जैसे अमीर तरीन आदमी हो जाना चाहिए। तो मेरा इनको चैलेंज है जितने भी ये चूरन फ्रोश और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आवाम को है वो बहकाने में लगे हुए कि जी डिग्री छोड़े स्किल सीखे, स्किल का बहुत स्कोप है, मैं उनसे कहता हूँ कि यार आपके पास तो काफी लड़कों ने आपसे कोर्स खरीदे होंगे, आप अपने स्टूडेंट्स में से किसी एक ऐसे बंदे का नाम बता दें जिसने आज तक आपका कोर्स खरीदा, उससे पढ़ा, आपसे सीखा और फिर वो दुनिया के टॉप 1000 बंदों में कर लें, टॉप 1000 रिचेस्ट पर्सन में अगर वो आता है तो आप उसका नाम बता दें, मेरा आपको खुला चैलेंज है। अगर आपने बता दिया तो आई विल लीव मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, खुला चैलेंज है, प्रूफ करके दिखाएं। मैं तो कहता हूं कि आप जो ये इतने कोर्स शोर्स बेच रहे हैं अगर आप भी कहीं टॉप 100 में आते हैं बता दें। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, आप खुद तो अभी टॉप 100 तक पहुंच नहीं सके पर आप जो है अपने स्टूडेंट्स को मिसालें देते हैं बिल गेट्स और एलन मस्क तक पहुंचने की। तो वही बात है ना, अगर मुझे खुद 10 तक गिनती आती है तो मैं आवाम को 100 तक गिनती कैसे सिखाऊंगा, सीधी सी बात है। और जो इनसे कोर्स खरीदते हैं यार आप कुछ होश का नाखून लें, अगर आपको इतना शौक है ना स्किल सीखने का, अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जी आप यूट्यूब से सीखें, इनको छोड़ें पैसे देकर आप इनसे वही चीज सीख रहे हैं जो आप फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हैं। दिस वॉज ऑल। तो यार बस भाई की बातों को याद रखना और कभी भी किसी की बातों में आकर अपने इंटरेस्ट और अपने पाथ को चेंज मत करना, यू आर द वन दैट हैज द चॉइस टू चूज योर पाथ, तो कभी किसी के कहने पर अपनी पाथ को चेंज मत करें। तो यार बस इसी के साथ दीजिए भाई को इजाजत, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।